हे एवरीवन, व्हाट्सअप, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों ने ऑडिट रिवाइज करना है इन 3.5 डेज। ये जो हमको ज्यादा दिन का समय मिला है, इसको हम लोग कैसे ज्यादा बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आने वाले पेपर एकदम बढ़िया से हमारा जाए। देखो यार, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आपका ग्रुप वन कैसा गया ज्यादा सोचिए मत, अभी आपका आज का कॉस्टिंग का पेपर कैसा हुआ है ज्यादा सोचिए मत। अभी हमारे हाथ में है आने वाले 3.5 दिन, जिसके ऊपर हम लोग अच्छे से फोकस करके ऑडिट में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या है, इस बार इंस्टीट्यूट ने मौका दिया है, ज्यादा दिन का समय इस बार दिया है, तो मेरे हिसाब से ये जो अपने को मौका मिला है इसको क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए। तो चलिए सर आ जाएंगे, क्या है प्लान के अंदर बता दीजिए। तो देखो कैसे आप 3.5 दिन के अंदर यहाँ पे पूरे ऑडिट को रिवाइज करोगे उसके रिगार्डिंग में बात करने वाला हूँ आज, यानी कि 11th को मान लीजिए शाम में 7 बजे से लेके 11, अगर आप 7 बजे पढ़ने भी बैठ जाते हैं तो 7 बजे से लेके 11 बजे तक आज आपने 2 चैप्टर्स को निपटा देना है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 11। ये दोनों चैप्टर्स आपके हो जाने चाहिए अलोंग विद दी क्वेश्चन बैंक, आप क्वेश्चंस भी देखते हुए चलिएगा, ठीक है ना? ओके, अब बात करेंगे 12th यानी कि कल के दिन की। तो कल सुबह मान लीजिए आप 7 बजे, आज थोड़ा सा ज्यादा नींद ले लीजिएगा, जल्दी सो जाइएगा 11 बजे के आसपास और प्रॉपर नींद ले लेना। कल सुबह 7 बजे से अपनी पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए, 7 बजे से लेके 11 बजे तक चैप्टर 2 एंड 3 को आप निपटाएंगे, फिर 11:30 बजे से लेके 12:30 या 1 बजे तक आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 करेंगे, देन उसके बाद 1:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक आपने चैप्टर 10 प्लस चैप्टर 6 को करना है, ये अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आप करते हुए चलिएगा, फिर 6:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक चैप्टर नंबर 7 और आधा चैप्टर 5 करना है। क्या काम है ने बोलो, चैप्टर नंबर 5 आधा ही आप करना है, एक साथ मत करिएगा, बहुत जनरल चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, एक साथ आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद देखिए क्या 13th वाली जो तारीख है बेटा, 13th यानी कि परसों के दिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, परसों के दिन आधा जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट करना और चैप्टर नंबर 4 जो सबसे बड़ा चैप्टर है उसको 1 बजे तक आप फिनिश करके रख दीजिएगा, फिर चैप्टर नंबर 9 को शाम में 5 बजे तक उसको फिनिश कर देना, और कोई भी अगर आपका बैकलॉग वगैरह हो तो उसको फिनिश करते हुए चलेंगे क्या, बिल्कुल आपने वो फिनिश कर देना है 5 बजे तक, पूरा पूरा चीजें आपके निपट जानी चाहिए। फिर 6 बजे के बाद आप उसी दिन यानी कि कौन से तारीख को, 13th यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होगा परसों का दिन, उसके बाद आप क्या करेंगे RTP MTP और PYQ को चेक कर लेना। क्या कहा मैंने बोलो सर, RTP और MTP 1 और MTP 2 जो आए हैं ना उसको एक बार चेक गो थ्रू कर लेना कि क्या क्वेश्चंस आए हैं और कैसे सवाल पूछे गए हैं। ऐसा मैं आपको एक बात बताऊँ, RTP और MTP में इंस्टीट्यूट ने भयंकर बजा के रखी है, आप समझो मतलब आड़े टेढ़े सवाल डाल के रखे हैं। देख जैसे एडवांस अकाउंट के साथ हुआ था, MTP इजी देते बेटा और वहां पे कुछ भलता ही सवाल पूछते, बराबर वैसे ही ये लोग ऑडिट में जानबूझ के डराते, ले बोले ऐसा सवाल पूछेंगे वैसा सवाल पूछेंगे, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, वो सवाल को देख के चले आना कि क्या क्या कौन से इस पे कौन से सवाल आते हैं। मुझे ऐसा लगता है 1-2 क्वेश्चन तो पक्के से ये लोग RTP MTP से उठा के डालने ही वाले हैं, बिल्कुल है ना, यस। अब देखो होता क्या है, अब उसके बाद 14th तारीख आ गई, उसके बाद रिविजन कीजिएगा, इस सीक्वेंस में आपको रिविजन करना है बेटा, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 8, 11, 10 फिर 6, 7, 4, 5 और 9, इस सीक्वेंस में आपका रिवीजन होना चाहिए 14th तारीख को, है ना। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ICI के मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, ICI मॉड्यूल के क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन बैंक आपने पढ़ चुका है, एक बार ICI के मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी आप रेफर यहाँ पे कर लेंगे। फिर 15 को मॉर्निंग में अगर कोई रिवीजन हार्ड टॉपिक लगता है तो वो कीजिए, रिवीजन कीजिए और इसके साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस। आप ऐसा भी कर सकते हैं 15 को मॉर्निंग को ICI का स्टडी मटेरियल यानी कि जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है इसके साथ साथ अपने क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन और RTP MTP आप एक बार बढ़िया से देख के पूरे पूरे चले गए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कौन से तारीख को, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं 15th तारीख को, राइट। तो ये पूरा फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। मैंने आपको सारे लेक्चर्स जितने भी हमारे रिवीजन लेक्चर्स है पूरे आपको चैप्टर वाइज मैंने दे के रखा हूँ और कहीं कहीं पे मैंने बंडल करके भी पार्ट 1 पार्ट 2 में अपलोड कर दिया और कहीं पे चैप्टर वाइज आपको दे के रखा हूँ। इस मैसेज के नीचे आप देख सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएंगी, बराबर है ना। ये इंद्रेश गांधी है टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप उस पर विजिट कीजिए, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएंगी ऑडिट की, चैप्टर से लेके पूरी पूरी चीजें डल जाएंगी। बस एक वीडियो चैप्टर नंबर 4 का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो मैं जल्द अपलोड करा दूंगा, बट कोई नहीं आप इसको देख के रख लीजिए, वो चैप्टर नंबर 4 का वो पर्टिकुलर एक छोटा सा पार्ट है,
तीन पार्ट्स में है वो, तो दो पार्ट्स हो चुके, एक छोटा सा क्लिप बचा हुआ है, वो वीडियो डिसरप्ट हो गया था इसके कारण वो अपलोड नहीं हो पाया, तो मैं उसको जल्दी से अपलोड करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आ जाती है, तो बढ़िया से रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, और बस ये फुल फायदा लीजिए बेटा ये 3.5 दिन का, है ना। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, पॉजिटिव माइंडसेट को रखिए, जितना हो सके उतना पढ़िए, जितना ज्यादा अपने लिमिट्स को पुश कर सकते हैं ये 3.5 दिनों में आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये राइट समय है बेटा एग्जामिनेशन को प्लान करने का। अगर 3.5 दिन आप अच्छे से तबीयत से सब कुछ रिवाइज करते हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ कि आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, राइट। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, होप सो वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।